ऑल राइट गाइस, तो क्वेश्चन आया कि सर हमारा केस चल रहा है और हमारे वकील साहब बोलते हैं कि अपने हस्बैंड से फ़ोन पे कॉल वॉल नहीं करनी, तो हमें क्या उसकी बात माननी चाहिए या नहीं? सर यार देखो, कॉल करना ना करना वो तुम्हारी चॉइस है। पहली बात तो ना, आप जितना हो सके ना कॉल पे निपटाओ। वकील तो आपको बोलेंगे ही, वो कहावत है ना कि परिवारों के झगड़ों में बिल्डर कमा गए, तो ऐसे ही परिवारों के झगड़ों में वकील लोग कमा गए। उन्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, बस उनको पैसे कमाने हैं, ठीक है। अब रही बात फैमिली मैटर की, तो यार देखो जो फैमिली मैटर होते हैं ना, जितनी आप बात करोगे ना उतना ही अच्छा है। कोर्ट में क्या होगा, आप एक चीज़ देखो, कोर्ट में क्या होता है, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है, समझ रहे हो? दोनों पार्टी कभी नहीं जीतती, एक पार्टी जीतती है एक हारती है, दोनों कभी नहीं जीतती। तो कोर्ट के बाहर अगर तुम बातचीत करोगे, फ़ोन पे कॉल करोगे, बातचीत करोगे, क्या पता तुम्हारा मैटर और जल्दी सॉल्व हो जाए। बस बहसबाजी नहीं करनी, गाली गलोच नहीं करनी, नॉर्मल बातें करनी है तो आप कर सकते हो, गाली गलोच नहीं करनी, या फिर ऐसा शब्द नहीं कहना जो तुम्हें अगली पार्टी के लिए कोई बेनिफिशियल दे आपके खिलाफ, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखो, अदरवाइज आप कॉल कर सकते हो। और मैं तो कह रहा हूँ आप करो, एक बार इनिशिएट तो करो, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, कॉल नहीं उठाएगा। अगर मान के चलो कॉल उठा लिया, तुम्हारी बात बन गई, तो वो जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो तो बच जाएगा ना, समझ रहे हो? हर दिन कोर्ट पे जाना, हर दिन वो टाइम लगना, क्योंकि यार देखो इंडिया में कोर्ट कचहरी कोई मतलब स्प्रिंट नहीं है, मैराथन गेम है, बहुत टाइम लगता है। और उसके पीछे कुछ आंकड़े हैं भाई, जिन नंबर ऑफ जजेस लिमिटेड है, नंबर ऑफ केसेज हर दिन पेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अब मॉरल ऑफ द वीडियो ये है कि आप आउटसाइड द कोर्ट फोन पे कॉल कर सकते हो, बातें कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो अपना रिलेशन बचाने के लिए, ठीक है, बेटर यही रहता है। कोर्ट कचहरी में तो वैसे लंबी लंबी वो होती है, तारीखें लगती है, ओके। सो आप कर सकते हो, वकील आपका पागल बना रहा है, और आप बातें कर सकते हो, क्या पता तुम्हारा मैटर ही नहीं पड़ता है, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर।